साध संगत जी अज के दिन बसंत रुत का आगाज हुंदा बसंत रुत की प्रारंभता हुंदी है मौली धरती मौलिया आकाश ये बसंत रुत सारिया रुतों विचों सब तो वध खुशी का प्रतीक है खेड़िया का प्रतीक है कि धरती के उत्ते सारी बनस्पति टहक जाती है फुलां विच खुशबू आ जाती है फुलां दे विच जोवन आ जाता है सारी धरती नूं महक नाल फुल जिहड़े है चंगी तरह सारी धरती दे विच अपनी महक बखेर दिंदे हन बसंत रुत सब तो उत्तम छे रुतां विचों चंगी तो चंगी रुत मन्नी है और अज दे दिन भाव कल लोहड़ी की रात को 9 बजे सटखंड श्री हरिमंदर साहब के अंदर बसंत राग गायन करना मर्यादा है गुरु अर्जन देव जी के समय तो बकायदा अरदास करके देख करके फिर बसंत राग की रंभता होंगी है होले महल्ले से सटखंड श्री हरिमंदर साहब बसंत राग की संपूर्णता की अरदास होंगी है 2 महीने माघ और फगण बसंत रुत का हिस्सा होंगी है और सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने मर्यादा बनाई है भी जदों माघी आवे उस दिन तो लैके 2 महीने गुरु घर दे विच हर रागी सिंह जिहड़ा कीर्तन करे वह बसंत राग दे विच गुरबाणी के शब्दों का कीर्तन जरूर करे और बसंत राग की जिहड़ी वार है उहदी एक एक पौड़ी हर शब्द तो बाद नाल गायन करनी है सतगुरु जी ने मर्यादा बनाई है सत संगत जी पुराने सिंघां विच किन्ना अभ्यास किन्नी उन्हां दी तपस्या किन्नी घालना हुंदी सी मैनूं याद आ गया महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय श्री आनंदपुर साहिब इक महान आत्मा महान तपस्वी पवित्र आत्मा गुरमुख गुरसिख रागी भाई प्रेम सिंह जी होए वह रागां विच ही कीर्तन करदे सन किला आनंदगढ़ विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शीस संस्कार स्थान है गुरुद्वारा शीसगंज साहब और तख्त केसगढ़ साहब राग विच जदों बाणी का गायन करते रागा नूं प्रतक हाजिर कर दिया करते सन ऐसी उन्होंने उत्ते सतगुरु जी की कृपा से महाराजा रणजीत सिंह जी ने उन्होंने महिमा सुनी अपने अहलकार आनंदपुर साहब भेजे कहन लगे उन्होंने लाहौर लेके आओ उन्हों तो रागा विच कीर्तन सुनना जदों गए उन्होंने बेनती की महाराजा रणजीत सिंह जी वालों तो रागी भाई प्रेम सिंह जी कह लगे सिंह साहब महाराजा रणजीत सिंह जी साड़ी वालों बेनती कर दौ मैं किसी राज दरबार का गवैया तो रागी नहीं मैं धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के घर का रागी हाँ जो उन्होंने कीर्तन सुनना इतने आ जा महाराज के चरणों में इतने मैं जरूर सुना सकता उत्थे नहीं मैं जाना महाराजा रणजीत सिंह जी ने दसिया कह लगे बहुत ही त्यागी गुरसिख है कोई माया का धन का लोभ लालच नहीं जायदाद का लालच नहीं फिर महाराजा रणजीत सिंह जी आप आए अपनी फौज अपने अहलकार नाल लेके रागी बाग गुरद्वारा साहिब अमृतसर साहब आनंदपुर साहब साध संगत जी वख वख अज भी गुरु साहब जी के समय के जिवें शहीदी बाग है रागी बाग है वख वखे बाग गुरु साहब जी ने लवाए सन भाई सोहना भाई मोहना ये माली सारे ला के सतगुरु जी ने बड़े सुंदर बाग आनंदपुर साहब के आले दुआले लवाए सन रागी बाग स्थान है इत्थे भाई प्रेम सिंह जी रहा करते सन महाराज रणजीत सिंह जी ने बेनती भेजी कह लगे असी आनंदगढ़ किले आवांगे उत्थे कीर्तन सुनाऊंगे जदों आए महाराजा रणजीत सिंह जी ने बेनती की कि बसंत राग सुनना कहते फिर यूं करो महाराज साहब का चंदोआ भी चिट्टे रंग का लाओ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बस्त्र भी रुमाले भी चिट्टे रंग के ते सारे सिंह जिन्हें भी दरबार में आउण माई भाई सारे सफेद रंग के बस्त्र पा के आओ सफेद रंग दियां दस्तारां ते बिछाई भी सफेद रंग की करो तैयारी करा दी राजिया की कमी है नाले गुरु घर में वस्तु की घाट है सफेद रंग का चंदोआ साफ सफेद रंग के वस्त्र बिछाइया हो गई रागी भाई प्रेम सिंह जी ने जो आके नमस्कार करके साध संगत जी बसंत राग गाया ना
बसंतरा गाउंदिया गाउंदिया महाराज साहब का चंदोआ महाराज साहब के रुमाले सारी संगत के वस्त्र पीले रंग के हो गए और जिवें फुल्लां दी महक आउंदी है इस तरह अपने आप महक आउण लग पई गुरु दरबार के अपने आप। महाराज रणजीत सिंह जी ने सिर झुका के नमस्कार की कहिंदे धन तुहाडी कमाई धन तुहाडी कमाई कहन लगे होर कोई राग सुनना कहिंदे दीपक राग सुनाओ कहिंदे गुरु अर्जन देव जी का हुक्म नहीं सी हरिमंदर साहब दीपक राग गायन करन दा क्योंकि तपश पैदा कर दिंदा पर कहिंदे तुहाडी इच्छा होई फिर इउं करो गुरु साहब के इर्द गिर्द देसी घो पा के बत्तियां रख के उन्हां दे विच दीवे रख दिओ जगाउणे ही नहीं ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਵੇ ਜਗ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਪਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾਓ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਗਾਓ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਦਰੋਂ ਅਤੇ ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਠੰਡ ਵਰਤ। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने नमस्कार की कहते धन तुहाडी कमाई ऐसा गुरसिख इहोजा रागी तो दुनिया के इतिहास में नहीं सुनिया कि जिहड़ा रागा नूं प्रतख मूर्ति मान कर दे। रागी भाई प्रेम सिंह जी कहन लगे सारी करामात गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी है उन्होंने कृपा है। कहन लगे महाराज कोई सेवा दसो तुहाडे लई सोहणे महल बना दीए तुहानू वड्डी जगीर ला दीए दस भी पचास सेवादार तुहाडी सेवा विच रख दीए। कहिंदे नहीं जे जगीर लाउणी है ना तां धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे स्थान नाल ते तख्त श्री केसगढ़ साहब नाल जगीर लाओ इन्हां स्थानां दे नाल जगीरां स्थापित करो मैं कुछ नहीं लैणा एक रुपया नहीं लिया। खालसा जी ऐसे ऐसे रागी गुरसिख ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਉਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ।